पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले भगवंत मान ने गुजरात में छप रहे पंजाब के विज्ञापनों को लेकर एक बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने क्या कुछ कहा सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। सीएम मान हर एक विषय पर अपनी टिप्पणी जरूर करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए पंजाब गवर्नमेंट के गुजरात में हो रही एडवर्टीजमेंट्स को लेकर कुछ कहा है। भगवंत मान का कहना है कि पंजाब सरकार के विज्ञापनों का गुजरात में छपना एक संदेश है कि वहां की सरकार को भी हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और गुजरात में भी अच्छे काम करने चाहिए। वही जब सीएम मान से पूछा गया कि जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल या अमरिंदर सिंह की फोटो विज्ञापनों पर छपती थी तो आपकी तरफ से कहा जाता था कि पैसे की बर्बादी हो रही है, लेकिन अब आम आदमी क्लिनिक भगवंत मान की फोटो क्यों छापी जा रही है। इस पर सीएम मान ने कहा कि जब कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी है, हर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं होता। साथ ही सीएम मान ने कहा कि आपने भीड़ में तो बहुत से चेहरे देखे होंगे, लेकिन एक चेहरे के पीछे भीड़ बहुत ही कम देखने को मिलती है। वही जब सीएम मान से पूछा गया कि स्टेज और स्टेज चलाने में क्या अलग बात है तो इस पर सीएम मान ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं स्टेज चला रहा हूँ, उनको बोले स्टेज चला ले। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।